आपके WSW यानी कि वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब आप देखो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में डायरेक्शन आएंगे, ठीक है। इसके बारे में पहले समझा चुके हैं कि डायरेक्शंस कैसे समझ तो आ गई है ना, बनानी कैसे हैं। पहले जो है आपकी 90 डिग्री, 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, ठीक है। ये सब क्लियर हो चुका है कि कैसे आपके ये सब बनाया है। अब इसके बाद सबसे जो इसके बाद जो अभी डायरेक्शन है WSW, तो WSW आपकी एजुकेशन और सेविंग की डायरेक्शन है। इसमें आपको क्या दिमाग में रखना है कि एजुकेशन और सेविंग जो इसका जो मेन हेडिंग पॉइंट है ना, एजुकेशन और सेविंग यानी कि बच्चों की शिक्षा, शिक्षा बच्चों की होती है, और सेविंग यानी कि बचत। बचत किसी भी रूप में हो सकती है आपकी, जैसे बच्चों ने जो पढ़ाई करी है, जो स्टडी करी है उन्होंने, उस स्टडी को करने के बाद वो उससे जो है अपनी लाइफ को सेटल कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, वो उनकी एजुकेशन की सेविंग हो गई वो, ठीक है। उससे उन्हें प्रॉफिट हुआ लाइफ में तो वो सेविंग हो गई। और यदि वो उससे प्रॉफिट नहीं कर पाए कुछ भी, उन्होंने स्टडी कुछ करी है लेकिन वो काम कुछ और ढूंढ रहा है, इसका मतलब उनकी ये जो आपका जोन है ये डिस्टर्ब है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आपके जो है एजुकेशन, अगर एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी हम इसी को ही चेक करेंगे। अब जैसे अभी जो है रिजल्ट क्लियर हुए हैं, कुछ के रिजल्ट रह गए हैं अभी, है ना, तो उसमें आप देखो आपके किसी के नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं और किसी के जो है इतनी मेहनत करने में भी कुछ रिजल्ट नहीं आए हैं और कोई पढ़ ही नहीं रहा है, किसी का मन ही नहीं है पढ़ाई में, तो उसके लिए क्या देखेंगे हम कि ये बच्चा इस डायरेक्शंस में उसका क्या लगा है, बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, इस जोन में बैठ के पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, और यहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है, ये दिमाग में रखेंगे हम। ये हम डायरेक्शंस अपने घर का जो है 16 डायरेक्शन इस तरीके से बना के तब इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि WSW डायरेक्शन कहाँ है और इसमें क्या रखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या क्या रखा हुआ है इसमें। एंटी क्या है, एंटी से मतलब एंटी कलर। WSW आपके कौन से आपका जो ये एलिमेंट हो गया आपका स्पेस एलिमेंट, और स्पेस एलिमेंट में जो है आपके एंटी कलर क्या होंगे, ग्रीन और रेड, ये मेन होते हैं। सेल्फ कलर इसके क्या हैं, वाइट, ब्लैक, सिल्वर, ये सब सेल्फ में आ जाते हैं। येलो भी हम यूज़ कर सकते हैं, पेरेंट्स है उसका सपोर्टर है, और अदरवाइज रेड और ग्रीन यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो अब आपने देखा, अब आपके रिजल्ट आया है, आपने देखा आपके बच्चों के नंबर बहुत कम आए हैं, तो एक इशू है कि वो पढ़ा ही नहीं है, और एक इशू क्या है कि वो पढ़ा तो है लेकिन उसके नंबर अच्छे नहीं आए, ठीक है। जो उसने मेहनत करी उसका रिजल्ट नहीं आया, तो दोनों में हम क्या चेक करेंगे, दोनों कंडीशन में हम चेक करेंगे सबसे पहले एंटी कलर कि उसमें कहीं ग्रीन और रेड एंटी कलर तो नहीं है, ठीक है। उसके साथ क्या चेक करेंगे, कोई इसमें टॉयलेट तो नहीं है। अगर WSW में आपकी टॉयलेट होगी तो भी वो आपको पक्का पक्का इंपैक्ट करेगी, ठीक है ना। टॉयलेट क्या होती है, राहु होता है, राहु आ जाता है वहाँ पे, तो वो उसको क्या है, उसकी सारी जो पढ़ने की एक्टिविटी वो डिस्पोज कर देगी उसे, ठीक है। इसके बाद अगला क्या चेक करेंगे, एंट्रेंस। एंट्रेंस से मतलब क्या है, WSW में आपके 2 और 3 के एंट्रेंस आती है, W2 और W3 दो एंट्रेंस आती है, 3-4 की एंट्रेंस सबसे बेस्ट होती है। एंट्रेंस के टॉपिक पे आप समझ चुके हैं इस चीज़ को, तो इसको हमें ब्लॉक नहीं करना। लेकिन अगर 2 की एंट्रेंस है, WSW में 2 की एंट्रेंस है, तो हम वहाँ उसे हम ब्लॉक करेंगे, क्योंकि अगर उसे हम ब्लॉक नहीं करेंगे तो वो बच्चे की एजुकेशन को और आपकी सेविंग को दोनों को इफेक्ट कर रही होगी। चेक करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स, फिर चेक, ठीक है। डस्टबिन, अगर वहाँ पर डस्टबिन है, कूड़ेदान है, तो कूड़ेदान क्या करेगा, दिमाग को कूड़ा बना देगा बिल्कुल, बच्चे का मन लगेगा ही नहीं पढ़ाई में, कूड़ेदान की तरह ही डंप होता चला जाएगा। इसलिए डस्टबिन है तो उसको भी रिमूव करो वहाँ से। चर्निंग आइटम है कोई, चर्निंग आइटम मतलब गोल घूमने वाली हो चीज़, ठीक है। जैसे कि आपकी गोल घूमने वाला चर्निंग आइटम में सबसे पहले मिक्सी को करते हैं रिप्रेजेंट, मिक्सी है, कोई भी गोल घूमने वाली चीज़ है, एडजस्ट फैन है, ठीक है, जो भी गोल घूमते हैं, ऐसी कोई भी चर्निंग आइटम है आपका, तो वो क्या है, वो आपके बच्चों की एजुकेशन को इफेक्ट कर रहा है। वॉशिंग मशीन है, ठीक है, तो वो आपके एजुकेशन सेविंग को इफेक्ट करेगा। अब आपके नंबर कम आए हैं बच्चों के, तो आप चेक करना कि WSW में क्या है, आपको 100% दिखेगा ये जैसे कुछ ना कुछ। और एंटी कलर आपको बता ही चुकी हूँ, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है सब कुछ कि इनमें से क्या चीज़ वहाँ पे है और क्या नहीं है। उसके बाद स्टडी टेबल देखेंगे, बच्चे की स्टडी टेबल कहाँ रखी है। अगर नॉर्थ वेस्ट में स्टडी टेबल है बच्चे की, नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट,
अगर यहाँ पे स्टडी टेबल है बच्चे की, तो बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वो हमेशा बाहर की सोचता रहेगा, ठीक है। और उसके स्टडी टेबल यदि अगर आपकी NNW में है तो वो अट्रैक्शन के बारे में ही सोचता रहेगा, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, आपको जो है स्टडी टेबल का खास ध्यान रखना है कि स्टडी टेबल उसकी कहाँ है, उसकी स्टडी टेबल आपको WSW में रखनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमें क्या ध्यान रखना है कि उसकी बुक्स कहाँ रखी है, बुक्स भी आपको देखनी है कि बुक्स बच्चे की WSW में ही रखी जाए। अगर आपका जो है आजकल जो है 3 साल का बच्चा जो है एजुकेशन में आ जाता है, तो 3 साल से लेके और 10-12 साल तक के बच्चे की बुक्स आप जो है WSW में रखिए, बहुत फ़ायदा देंगे। लेकिन उससे ऊपर की जो एज के हो जाते हैं बच्चे, हाई एजुकेशन में चले जाते हैं, तो उनके बुक्स आप इसके साथ जो है WSW में रखिए, साथ में नॉर्थ में भी रखिए। अगर जो है बच्चे का जॉब से रिलेटेड जो है वो स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए जो है नॉर्थ फेसिंग बैठ के वो पढ़ेंगे, नॉर्थ में उनकी कुछ बुक्स होंगी, तो उससे उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। और छोटी क्लास के लिए WSW सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ अपनी बुक्स रखिए, बुक्स जरूर रखिए। अगर वहाँ पे टॉयलेट है, जगह नहीं है, तो एक बुक्स की पिक्स ही लगा दीजिए वहाँ पे, या कोई भी एक शेल्फ बना के वहाँ पे जो है एक दो बुक्स रख दीजिए, तो वो भी इसे फायदा देंगे। एक पेन होल्डर रख दीजिए येलो कलर का, उसमें जो पेन रखिए, अगर बच्चे को लिखने का मन नहीं करता तो वहाँ पे एक पेन होल्डर रखिए येलो कलर का, उसमें पेन रखिए, तो बच्चे का ऑटोमेटिक मन करेगा पढ़ने का, लिख लिख के पढ़ेगा वो। जो चीज़ WSW में रखेगी ना, रखी होगी, वही बच्चे को इफेक्ट करेगी उसके माइंड में। अगर वहाँ पे जो है आपका क्या होगा, मान लो बैट बॉल रखे हैं, तो बच्चा पढ़ेगा कम, उसका पढ़ते वक्त दिमाग कहाँ जाएगा, केवल आपके बैट बॉल खेलने में। टीवी रखा है तो टीवी में, कंप्यूटर रखा है कंप्यूटर में भी वो क्या है, एजुकेशन की जगह खेलने में ही दिमाग चलता रहेगा। दिमाग में रखने की चीज़ है आपको कि वहाँ पर क्या रखा हुआ है, देखने की चीज़ है ये, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे स्टडी टेबल रखिए बच्चे की, बुक्स रखिए यहाँ पे, तो बच्चे को बहुत फ़ायदा देंगी। और इसके अलावा जो है हेडफोन रखे हैं, पुराने हेडफोन रखे हुए हैं, मान लो पुराने हेडफोन में क्या है, उसके माइंड में कुछ भी याद नहीं रहता, वो भूलता रहता है, ठीक है ना। तो अगर बच्चे का अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको दिख रही है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो आप चेक करोगे कि वहाँ पे क्या रखा है, जो वहाँ रखा होगा पढ़ते वक्त बच्चे का मन वहीं जाएगा, ठीक है। और बच्चा यदि लिख के नहीं पढ़ना चाह रहा, तो वहाँ पे एक पेन होल्डर रखिए, तो वो लिख के पढ़ने लग जाएगा। वहाँ पे जो है जो उसका लाइफ का टारगेट है, उसको उसका सिंबल वहाँ पे रखिए WSW में, उससे भी उसको फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से हमें अपना ये देखना है कि WSW में क्या चीज़ है, वो क्या हमें हमारे बच्चे को इफेक्ट कर रही है। और इस बार यदि आपके नंबर कम आए हैं बच्चे के, तो ये सब जो है अब आप ये कोर्स सीख के जा रहे हो, तो अब इस कोर्स को करने के बाद आप अपने घर का जो मैप चेक करोगे, उस मैप में जब आप देखोगे WSW में क्या है, ठीक है, और उसकी रेमेडीज करने के बाद उसके बाद जब आप जो है अगले साल जो बच्चे का रिजल्ट देखोगे, वहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ाओ, वहाँ बच्चों की बुक्स रखो, है, और उसके बाद जो कुछ एंटी है वहाँ पे उसको हटाओ, और फिर रिजल्ट देखना, उसका 100% रिजल्ट ना आए तो आप बात करना हमसे। आप भी जो है वो करेंगे कि हाँ हमने महावास्तु करा है, तो हमें इससे कितना फ़ायदा हुआ, इस कोर्स को करने से हमें कितना फ़ायदा हुआ, ये आपको 100% जो रिजल्ट देता है। KB सर ने जो ये फाउंडर जो हैं, जिन्होंने ये चीज़ निकाली है महावास्तु कोर्स, इसका रिजल्ट 100% ही होता है। लेकिन हर चीज़ लगन से और तरीके से होनी चाहिए, ये नहीं है कि कोर्स किया उसके बाद घर जाके सब चीज़ों को बंद कर दिया, कुछ भी नहीं फायदा होगा उससे। प्रैक्टिस करनी जरूरी है, और चीज़ों के जो है मेन जो प्रॉब्लम है उसको पकड़ना जरूरी है, उसके बाद इसको